अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयद नाहिदा खादरी, एनआरक्यू 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत ए खल्क अशरफ की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 12 नवंबर ट्यूसडे आने मंगल का दिन है। आज इस वक्त मैं बाबा नगर सी ब्लॉक आई हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही मुस्तहिक और बहुत ही मजबूर लोग रहते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, बहुत ही मजबूर बहन है। ये इनके शौहर है और ये इनकी सास है। ये जो इनके शौहर है, इनकी वालदा है साथी में। आंटी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनके बेटे को कुछ ही दिन पहले, 10-12 दिन पहले इनके बेटे को शॉट मारा था, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनको शॉट मारा था, ये सर्विसिंग सेंटर में काम करते थे, वहां पर अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनको शॉट मारा था। ये आप देख सकते हैं, इनके हॉस्पिटल का पूरा डिटेल्स इसमें लिखे हुए इनके, और मैं पूरा डिटेल मालूम कर चुकी हूँ। पिछले 8 दिन से लोग मेरे ऑफिस पर आ रहे थे कि इनको मदद की जरूरत है, बहुत ज्यादा परेशान है लोग। ये इनका आधार कार्ड है, ये जो भाई है जिनको जो शॉर्ट मारा है उनके आधार कार्ड है, ये इनके बी का आधार कार्ड है, और ये इनकी वालदा का आधार कार्ड है। तो ये बहुत दिन से बेचारे मेरे पास आ रहे थे, 8 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके बच्चे की दवाइयों के लिए इनके पास पैसे नहीं आंटी के, और बहुत ही ज्यादा मुस्तैद परेशान थी आंटी। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो जो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करे थे, ये हालत थी इनकी, ये हालत थी बेचारों की। 3 फेस का करंट जो था उसका शॉर्ट मारा था इनको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस थे इन्हों, बहुत परेशान थे। इस वक्त इनके पास आप देख सकते हैं, दवाइयां खा रहे हैं इन्हों, तो महीने भर की जो दवाइयां हैं वो 1000 रुपए की हो रही है, लेकिन इस वक्त इनके पास दवाइयों के लिए तो छोड़िए, बच्चों के दूध के लिए तक इनके पास इस वक्त पैसे नहीं है, और साथ ही में ना तो घर में राशन है। और ये जो एक कमरे की जो जिंदगी है लोगों की, ये एक कमरे का जो किराया है महीने भर का 1500 रुपए किराया है, और ये भाई परेशान होने की वजह से ये लोग पिछले 2 महीने से किराया भी ड्यू है इस घर का, तो 3000 रुपए घर का किराया हो रहा है लोगों का, 2000 रुपए राशन की जरूरत है इनको, और साथ ही में दवाइयों के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। जो ये दवाइयां आपको नजर आ रही है, इनको 1000 रुपए की दवाइयां हो रही है महीने भर की, तो बस इनको टोटल 6000 रुपए की मदद की जरूरत है। आपसे जो हो सका आप लोग इनके लिए मदद कर सकते हैं, तो फिर इनके राशन का इंतजाम कर दीजिए, या फिर आप लोग आकर डायरेक्ट दवाइयां भी दिलाना चाहते हैं तो दवाइयां भी दिला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आकर आप इनको मदद देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आकर इनसे मिलकर भी आप मदद दे सकते हैं। और इस वक्त मैं इनको खिदमत देखो वर्षों की तरफ से 500 रुपए की मदद दे रही हूँ, और राशन हो या जो भी देना चाहे, टोटल इन लोगों को 6000 रुपए की मदद की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा मजबूर है लोग इस वक्त, आप देख सकते हैं मासूम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, मासूम बच्चों को पीने के लिए भी दूध तक पैसे नहीं है लोगों के पास, दूध के लिए भी। तो बस आपसे जो हो सका इनके लिए जल्द से जल्द मदद करिए, और इंशाल्लाह बराबर आपको ये मासूम बच्चों की दुआ लगेगी, और ये भाई हमारे बहुत ज्यादा परेशान है, इनकी बराबर आपको दुआ लगेगी। आंटी आप कुछ बोलिए। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, मैं उनकी माँ हूँ। अब करंट शॉट लग के 8-10 दिन हुआ, माता ने गोलियां, पैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे है, घर का किराया नहीं बन सका, इतना तो हम मजबूर है। आपको दुआ इस देंगे कि आप कुछ हमारे बच्चे की मदद करेंगे, तो हम आपको दुआ देते देंगे हर हमेशा। ये बीवी है इनकी, बोलिए। मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने ऐसा शॉट उनको लगा 15-20 दिन से, उन्होंने घर में बच्चों को दूध को पैसों को बहुत तकलीफ हो रही, उन्होंने काम पे नहीं जा रहे, आप मदद करे तो हम दुआ देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी आकर मदद दे सकते हैं। हॉस्टल से आके 8 दिन हो गया है बेचारे घर पर आके, लेकिन अब तक इनके पास कोई इनको पुरसाने हाल नहीं है, कोई खानदान वाले पूछने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है ये। तो आपसे जो मदद हो सके आप लोग इनके बराबर कर सकते हैं। काम करती हूँ, मैं भी माँ हूँ, इनकी घरों में काम करती हूँ। आप घर का भी काम पे मालूम कर ले सकते, पूरे बाबा नगर उमर होटल करने में 4-5 घरों में काम करती हूँ। आपसे जो हो सका इनके लिए आप मदद करिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।